हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीनेस किचन। आज हम नमकीन दलिया बनाएंगे जो स्वाद और सेहत से भरपूर है। बच्चों को देते समय उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दें, बच्चे तुरंत ही कटोरी चट कर लेंगे। तो चलिए स्वादिष्ट दलिया बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कप गेहूं का दलिया लिया है। मेजर के लिए आप कोई भी कटोरी या बर्तन ले सकते हैं। अब दलिया को एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और दलिया को बीनकर अच्छी तरह चेक कर लेंगे। अब दलिया को धीमी गैस पर चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि उसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। यहाँ दलिया भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और दलिया का कलर भी पहले से चेंज हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे। देखिए, यहाँ मैंने दलिया में डालने के लिए कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जिन्हें धोकर बारीक काट लेंगे। सब्जियाँ आप यहाँ अपनी पसंद के अनुसार या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो उन्हें ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इन सब्जियों को काट लिया है और जो आलू हैं उन्हें काटकर पानी में डाल दिया है, जिससे आलू काले न पड़ जाएं। चलिए दलिया फ्राई कर लेते हैं। दलिया फ्राई करने के लिए गैस पर कुकर चढ़ाएंगे और 2 से 3 चम्मच देसी घी या तेल डालकर गर्म करेंगे। घी गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हींग डालकर तड़काएंगे। दलिया में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप इसे ज़रूर डालें। अब 1 कटी हुई प्याज डालकर चलाएंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और 1 कटा हुआ टमाटर डालकर चलाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डालकर मिलाएंगे। अब गाजर, मटर, गोभी और आलू डालकर मिलाएंगे। अब इन सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, जिससे कि सब्जियों में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो देखिए, यहाँ सब्जियों को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जियाँ कितनी कलरफुल लग रही हैं। अब भुना हुआ दलिया डालकर मिलाएंगे और 1 लीटर पानी डाल देंगे। पानी के मेजर के लिए जितना आपने दलिया लिया है उसका 4 से 5 गुना पानी डाल दें। अब 1/2 चम्मच गर्म मसाला डालकर मिक्स कर देंगे और लिड लगाकर 2 विसल हाई फ्लेम पर लगा लेंगे और 1 विसल स्लो फ्लेम पर आने के बाद गैस बंद कर देंगे। और कुकर ठंडा होने पर, यानी कि सीटी निकलने पर कुकर खोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर नमकीन दलिया बनके तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको नमकीन दलिया की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।